हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वज़न बढ़ाने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, इन सबों पर बात करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि जो लोग पतले होते हैं वो मोटा होना चाहते हैं, और जो लोग मोटे हैं वो लोग पतला होना चाहते हैं। इसलिए मैंने दोनों तरह की वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिया है, जिसको जिस तरह का प्रॉब्लम है वो देख सकता है। दोस्तों, यदि आप पतले हैं तो अपने डाइट में डेली आलू को शामिल करें, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में स्टोर करता है एनर्जी को और आपका वज़न बढ़ाता है। घी खाने से आपके वज़न बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, कैलोरी की मात्रा काफ़ी होती है, और ये आपको डेली एक चम्मच खाने से 15 दिन में, 1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा। किशमिश रोज़ाना दिन में 1 मुट्ठी किशमिश खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, और उसको पानी में भिगो के रात में रख दीजिए और सुबह में उसको खाया करिए, इससे बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और मल्टीविटामिन पाया जाता है। अंडा में फैट और कैलोरी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। डेली 1 या 2 अंडे खाने से इसका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का करती है बॉडी बिल्ड करती है, जिससे आपका वज़न बढ़ जाता है। केला में अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करती है। कहा जाता है दो केले और दूध के साथ खाएं तो आपका वज़न जल्दी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पीनट हाई कैलोरी और प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये भी आपके वज़न को बढ़ाता है। डेली आप 7 से 8 घंटा सोएं, जिससे आपके नींद अच्छी होने से आपके शरीर में कफा का स्टोर होगा। मतलब आयुर्वेद में कहा गया है कि जब जो पुरुष कफ वर्धक होता है, उसमें स्टेमिना और उसकी शरीर बिल्डिंग ब्लॉक अच्छा होता है, जिससे आपके शरीर का वजन बना रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे।